दादी माँ एक बार मेरी बात तो ननु ननु प्लीज एक बार दी की बात सुन लीजिए ना प्लीज। दादी माँ ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे आपके या आपके रूल्स की परवाह नहीं, पर कल हालात मेरे बस के बाहर थे। सच्ची मैं जानती हूँ कि इस वक्त चीजें हमारे लिए कितनी मुश्किल है, और बात हमारे घर की है। आप चाहे मुझसे जितना भी नाराज रह लीजिए, पर ये घर और आप यही मेरे लिए सब कुछ है दादी माँ। और हम सबको इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए इस वक्त ये जॉब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हमें तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, जो करना है हम करेंगे, तुम्हें हमारी परवाह करने की जरूरत नहीं। नमस्ते वसुंधरा जी, 2 हफ्तों के अंदर आप मेरा पूरा पैसा दे दीजिए, वरना प्लीज मेरा मकान खाली कर दीजिए। आप दादी माँ मैंने नहीं यहाँ बुलाया है। अच्छा जी नमस्ते। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम सब गलत को सही कर लोगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम कितनी भी कोशिश कर ले चाहकर भी इस लड़की को अपना नहीं सकते, क्योंकि इसकी शक्ल में हमें उस धोखेबाज दिव्या की याद आती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा खानदान खत्म हो गया। उसके धोखे ने हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया। अपना ये सब टाइम पास जो है ना बंद करो और मामा को थोड़ा हेल्प करो। क्या मॉम, आप हमेशा मेरे काम के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मॉम साहब आप समझाइए मॉम को ना। भाई सर रहने दीजिए ना, वैसे भी अभी सिर्फ 1 ही साल तो हुआ है बेचारे के कॉलेज को खत्म किए हुए। मुझे लगता है कि हमें इससे थोड़ी और मस्ती करनी देनी चाहिए, और वैसे भी जब भी मुझे संभव की जरूरत होती है ये हमेशा मेरे साथ होता है ना। शाम को मिस्टर राठौड़ अपनी लड़की को लेकर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप आके उनकी लड़की से मिलें। चलिए ठीक, तो आप जानती हैं मैं आपको मना नहीं कर सकता है ना। मैं शाम को बिल्कुल वक्त पे आ जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे ऑफिस भागना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। ओके आपकी शादी तो हमारे ही पसंद से होगी, ताकि लड़की को अच्छे से पता हो कि आप पर पहला हक हमारा है। कुहु, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि दादी माँ मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती। ऐसा क्या किया होगा मेरी मम्मी ने कि दी टेंशन ले रही हो आप? देखो उस वक्त जो भी कुछ हुआ वो पास था ना, उसको पास रहने दो। आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही होती? और रही नन्नू की बात, तो वो आपकी क्यूट सी स्माइल देख के और क्यूट सा फेस देख के देखना, बहुत जल्द आपको अपना लेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा कैबिन है। मैडम अभी ये आपका कैबिन नहीं रहा, करने किसी और को दे दिया। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे? समझ से क्या है अपने आपको? आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया क्यों? हाँ माना मुझे आ जाने में थोड़ी देर हो गई होगी, पर वो इसलिए क्योंकि मैं पूरी रात काम कर रही थी, मैं सुबह सोई हूँ, थक गई हूँ मैं। आप ही ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें ये लिखा है कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटा देती ना आप मुझे फायर नहीं कर सकते। So, वो I'm very sorry, वहीं रुक जाओ। और ये कॉफी
मैं पूछ सकता हूँ ये कॉफी ठंडी क्यों? मैं पूछ रहा हूँ ये कॉफी क्यों ठंडी है? Why? So, मैं वो... You know what? आज से तुम यही बैठोगी इसी कुर्सी पर मेरे कैबिन में, okay? ये सारी की सारी फाइल्स रीराइट होकर शाम तक मुझे अपनी टेबल तक जाएगी और जितनी फाइल्स बचेंगी पर फाइल मैं तुम्हारी सैलरी से 1000 रुपीज यानी 1000 रुपए काटूंगा। Am I clear? मैंने तुमसे कहा था शाम तक सारी की सारी फाइल्स रीराइट करके तुम्हें मेरी टेबल पे लाना है और तुम मेरे सामने ये लाइयो, ये हजारों गलतियों के साथ। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? तुम्हारी हर गलती पे मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगा। शाम तक हर एक कॉमा हर एक पंक्चुएशन के साथ अगर फाइल्स मेरी टेबल तक नहीं पहुंची ना तो मैं